सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। क्या आप जानते हैं 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं सुबी वर्मा, तिरंदाज हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज से ठीक 73 वर्ष पहले आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के सामने कई बड़ी परेशानियां थी, जिसमें से एक समस्या भाषा को लेकर भी थी। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, इनमें हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को ये फैसला लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन को हिंदी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश में 77% लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। ऐसे ही आपके काम की, ज्ञान की और रोचक खबरों के लिए तिरंदाज.com से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल तिरंदाज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज तिरंदाज को फॉलो कीजिए। इन सभी के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।